हाय फ्रेंड्स, आज हमने बनाया चॉकलेट केक। देखिए केक कितना मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड फ्लफी हुआ। आप भी मेरे रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइए तो आपको भी ऐसा ही फ्लफी होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया। ये केक बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी मैदा मतलब 225 ग्राम, 1/2 कटोरी तेल, 1 कटोरी चीनी, 3/4 कटोरी कोको पाउडर, 1 कटोरी मिल्क और 2 अंडा लिया। ग्राइंडर में चीनी, तेल, दूध और 2 अंडा डाल के ग्राइंड करेंगे। देखे ग्राइंड हो गया। अब इसमें फिर कोको पाउडर डाल के और एक बार अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब ये सारे पेस्ट को एक बॉल में निकाल लेते हैं, निकाल के एक साइड में रख देते हैं। अब मैदा को छान लेना है, तो एक छाननी में मैदा डाल के इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इसे छान लेते हैं। देखिए सारे मैदा हम छान लिया। अब एक चम्मच से ये मैदा को मिक्स कर लेते हैं। अब जो बैटर बनाया था ये देखिए, उसमें हम मैदा को धीरे धीरे डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसे एक ही डायरेक्शन पे अच्छे से इसे मिक्स करना है। हमने एक बर्तन ले लिया, एक केक टिन नहीं है, ये 5.5 इंच डायमीटर का एक बर्तन लिया। इसमें तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा मैदा डाल के थोड़ा डस्ट कर लेता है ताकि जब बैटर डालेंगे वो पूरा चिपकेगा नहीं, और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। इस बैटर में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालकर और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस बैटर को बर्तन में डाल लेते हैं, डाल के थोड़ा से टैप कर लेता है ताकि नीचे से सेट हो जाए। मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया भगोना जैसे, तो इसको हमने प्रीहीट कर लिया। अब इसमें केक टिन बैठा के 35 से 40 मिनट हमें ढक के कुक करना है, गैस को स्लो करके। चालीस मिनट बाद एक चाकू या चम्मच डाल के हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये नाइफ बिल्कुल क्लीन आ गया, इसका मतलब केक हो गया। अब हम इसमें ही 10 मिनट इसको रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट बाद मैंने केक को बाहर निकाल के ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद एक इसे डिमोल्ड करना है, तो एक चाकू लेके मैंने चारों तरफ इसे केक को लूज कर दिया। फिर उसका ऊपर एक प्लेट रख के उसे पलट दिया। पलटने के बाद अगर ना निकले थोड़ा से टैप मार देना तो केक आपका जल्दी से निकल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी इतना ही अच्छा केक बनेगा। मेरे रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन टैप करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।